तभी बाबा को हार्ट अटैक आ जाता है। अरे बाप मार दिला श्रेयम भैया। गेम ओवर। दोस्तों अगर अपनी गुल्ली बुल्ली मम्मी और जॉम्बी हॉरर स्टोरी के पार्ट वन अभी तक नहीं देखे तो पहले आप उसे जाकर देख लीजिए वरना आपको ये स्टोरी पूरी तरीके समझ में नहीं आएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और ऊपर आई बटन में भी है। दोस्तों आपने पिछले वीडियो में देखा था कि गुल्ली बुल्ली सोन और बाबा ये चारों खजाना की तलाश करते करते एक आइलैंड पे चले जाते हैं, लेकिन ये आइलैंड कोई आम आइलैंड नहीं, इस आइलैंड में बहुत सारे जॉम्बीज और मम्मी है। ये चारों आइलैंड के आगे बढ़कर देखते हैं तो उन्हें कुछ जॉम्बीज की आवाज सुनाई देती है और फिर ये चारों जॉम्बीज का पीछा करने लगते हैं। सारे जॉम्बीज एक ताबूत के पास जाकर खड़े हो जाते हैं और फिर उस ताबूत के अंदर से एक मम्मी निकलती है। वो मम्मी निकलते के साथ ही ये जॉम्बीज को पटक पटक के मारने लगती है और बोलती है कि हमारे आइलैंड के खजाने पे किसी ने गंदी नजर डाल दी है और वो इस आइलैंड पे आ चुका है। लोग फैल जाओ पूरे जंगलों में और वो लोग कहीं भी दिखे तो उसे जिंदा मत छोड़ना। और फिर सारे जॉम्बीज जंगलों में चले जाते हैं और फिर दो जॉम्बीज गुल्ली बुल्ली बाबा और सोन की तरफ आ रहे होते हैं। तभी बाबा उसमें से एक जॉम्बीज को मार देते हैं और फिर दूसरा जॉम्बीज बाबा का गला पकड़ लेता है और अब आगे देखिए और दूसरा जॉम्बीज जय महेशवती और फिर सोन भी उस जॉम्बीज का सर फोड़ देता है और चारों वहां से दूर भाग जाते हैं। चारों लोगों को भागते भागते गुफा दिखता है। चारों लोग उस गुफा के अंदर चले जाते हैं। गुल्ली बोलता है बूढ़े तुमने हम लोगों को कहां फंसा दिया। गुल्ली बोलता है इस बूढ़े के कारण अभी हम लोग मरते मरते बचे हैं। मारो मारो यही है वो खूनी दरिंदा मारो। बाबा बोलते हैं रुको जरा सबर करो। गुल्ली रोने लगता है और बोलता है इस बूढ़े ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी अभी तक तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। एक बार सोन फिर से बोलता है मारो मारो यही वो खूनी दरिंदा मारो। सोन कितना बोलती है बाबा सोन को पागल कुत्ते की तरह मारने लगते हैं। काहे लगे मार रहे भैया छोड़ दीजिए भैया काहे लगे मार रहे भैया। बाबा का ऐसा भयंकर रूप देख के गुल्ली बुल्ली सोन तीनों काफी डर जाती है और तीनों तब से चुप ही रहते हैं। तुप ताप ले लेता। बाबा एक नक्शा निकालते हैं और बाबा बोलते हैं ये देखो इस नक्शे में खजाने के पास जाने का रास्ता है। गुल्ली बोलता लेकिन इतने बड़े जंगल में हम लोग को खजाना मिलेगा कहाँ। बाबा बोलते हैं इस जंगल में बहुत बड़ा डब्लू है उसी डब्लू के नीचे खजाना है। सोन बोलता तो देर किस बात की बाबा जल्दी से हम लोग को डब्लू को खोजना होगा। एक बार फिर से वो चारों उस गुफा से निकल जाते हैं खजाने की खोज करने के लिए। तभी बाबा को हार्ट अटैक आ जाता है। अरे बाप मार दिला श्रेयम भैया। गेम ओवर। गुल्ली बोलता है ये क्या बाबा को क्या हो गया। सोन बोलता है मुझे लगता है कि बाबा को मिर्गी का दौरा पड़ा हुआ है इसे जल्दी से चप्पल सुखाना होगा। गुल्ली बोलता है नहीं मुझे लगता है कि ये बूढ़ा आखिरी सांसें गिन रहा है। सोन बोलता है तो क्या करना चाहिए इस बूढ़े का यहीं पे अंतिम संस्कार कर दूं क्या। गुल्ली बोलता है लेकिन मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है अगर ये बूढ़ा मर जाएगा तो हम लोग को बचाएगा कौन। सोन बोलता है बात तो तुम सही बोल रही हो गुल्ली अगर ये बूढ़ा मर जाएगा तो हम लोग को बचाएगा कौन जल्दी से इस बूढ़े को बचाओ। तभी गुल्ली वहां पर से एक डंडा उठाता है और बाबा को जोर जोर से मारने लगता है। अबे बूढ़े जल्दी उठ जा। इतना उठाने के बाद भी बाबा नहीं उठते लगता है कि बाबा का खेल खत्म हो गया है। तभी वहां पर जॉम्बीज की आवाज आने लगती है। गुल्ली बुल्ली सोन काफी ज़्यादा डर जाते हैं और वो इधर उधर देखने लगते हैं। सोन बोलता है वो देखो वहां पर से एक जॉम्बीज इधर ही आ रहा है। गुल्ली बोलता है बाबा को यहाँ से हटाओ नहीं तो वो जॉम्बीज बाबा को खा जाएगा। गुल्ली बाबा को उठाता है और झाड़ियों में फेंक देता है। गुल्ली बुल्ली और सोन वहां पर से छिप जाती है एक पेड़ के पीछे। वो जॉम्बीज आता है और झाड़ियों के पास जाकर इधर उधर देखने लगता है। गुल्ली बोलता है मुझे तो लगता है कि इस बूढ़े को जॉम्बीज खा जाएगा। सोन बोलता है उस बूढ़े को बचाना होगा। सोन वहां पे पड़ा एक पत्थर उठा लेता है और उस जॉम्बीज को फेंक के मारता है। उस जॉम्बीज को पत्थर लगते ही वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और गुल्ली बुल्ली सोन को दौड़ा देता है।
तो दोस्तों आखिरकार क्या होगा गुल्ली बुल्ली और सोन का, और आखिरकार बाबा जिंदा है या मर गए, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो के पार्ट 3 में। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये है कुछ शॉर्ट आउट जिन्होंने हमारे पिछली वीडियो में कमेंट किया था, अगर आप भी चाहते हैं कि मैं कुछ शॉर्ट आउट दूं तो इस वीडियो के नीचे एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर दे। तब तक के लिए बाय बाय।